These bad dance and make it hurt हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस मेरा नाम है पलक राजपूत आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का पढ़ ले इलेवेंथ इस कॉमर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग बहुत समय बाद इस चैप्टर इस सब्जेक्ट पर आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा ना चैप्टर्स में बैलेंस करके चलते हैं सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स हम लोगों ने बहुत ही स्पीड से निकाल दिया है छठवें सातवें चैप्टर पे हैं हम और ऐसे करते करते यूँ अठारह कितने चैप्टर हैं उसमें एटीन नहीं नहीं हाँ एटीन चैप्टर हैं तो वो यूं ही हो जाएंगे ठीक है और आप लोगों को करते भी आ रहे हैं द तो बेस्ट पार्ट ऑफ़ द वीडियो इज ठीक है थीके? तो वो चीज़ हो गई पर साथ में बिजनेस और इकोनॉमिक्स नहीं हो पा रहा था इसलिए सोचा कि बिज़नेस और इकोनॉमिक्स को स्पीड अप करें ठीक है तो लास्ट में लास्ट जो वीडियो है हमारा उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स शुरू करा है उसका यूनिट वन हम लोग ख़त्म भी कर चुके हैं वन शॉट वीडियो है वो आप लोगों के लिए तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो ठीक है आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के हमने ऑलरेडी दो चैप्टर कर लिए हैं एक के तो नोट्स चल गए हैं दूसरे के ऑन प्रोसेस हैं तो वो डल जाएंगे और आपको बहुत 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 जल्द मिल भी जाएंगे ठीक है तो सब्र रखो यार गाइस नोट्स 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 करते रहते हो एक ना मैंने कमेंट पढ़ा था एक बच्चे का जिसमें उसने लिखा था कि गाइज़ मैं किसी को ऑफेंस डिफेंस करके मतलब ऐसे आ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि किसी को भी अग्रेसिव मोड में पर नोट्स की इतनी क्या जल्दी है तुम लोगों को यार खुद बना लेते हैं ना अपन लिख लेंगे अपन तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि यार कोई सपोर्ट में है गाइड्स इधर गाइड्स नोट्स में ऐसा है कि बन रहे हैं वो क्योंकि क्या है ना कि लिखना बहुत सारा पड़ जाता है आप लोगों के लिए हमें बहुत सारा लिखना पड़ जाता है बुक्स के साथ में तो थोड़ा बन रहे हैं ठीक है थीके? आ रहे हैं नोट्स आ जाएंगे एग्जाम से पहले आ जाएंगे और पढ़ भी लोगे और समझ भी लोगे ठीक है ऐसी ये मेरी पूरी पूरी गारंटी है आप लोगों के पास में ठीक है तो उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को खैर द मेन पार्ट इज कि नोट्स को छोड़कर पहले बुक से पढ़ने का काम तो फिनिश करें तो नोट्स काम के हैं कि पढ़ लेंगे एक बार तो फिर नोट्स रिविजन करने में काम आएगा हमें तो एक बार अपना रिविजन अपनी रीडिंग प्रोसेस को ख़त्म करो तब जाके आप लोगों के लिए नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल हैं ठीक है और ख़ुद के नोट्स बनाने की भी कोशिश और प्रैक्टिस आप लोग प्लीज़ करें ठीक है तो आज का जो है चैप्टर वो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के क्योंकि बहुत सारा बोल लिया है आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कोई बात नहीं चलता रहता है कभी कभी मिलता रहता है ऐसा ठीक है तो हमेशा की तरह बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है like लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी कभी भी कभी भी मिस ना हो साथ ही साथ आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक से टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एट एंड एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐट क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है कि कभी कोई साइट देर से चल रही हो क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने ये चीज़ फेस करी थी कि साइट थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो जितना भी कुछ अपडेशन है वो आप लोगों को वहीं पर मिलने वाला होता है ठीक है तो प्लीज़ डू फॉलो दैट सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है जीवन में आए हैं तो सबका उपयोग करना चाहिए ना तो चलो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं तो आज के इस चैप्टर का श्री गणेशाय नमः करते हैं ठीक है गणपति बापा मोरिया ओके चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री में आप लोगों को देखना है कि प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज़ गाइस क्या होती हैं ठीक है अब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे ठीक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़े थे उसमें हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स जो है प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर में कौन से कौन से फॉर्म्स होते हैं सोल प्रोपराइटर है पार्टनरशिप है कंपनी है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वहाँ पर ठीक है और क्या था ओ था वन नहीं ओ तो हाँ वन पर्सन कंपनी भी था फिर हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी फिर हमारे साथ में बस इतने ही लोग थे हाँ ठीक है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी ठीक है तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन आज हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में ना बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक है इतना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम पब्लिक सेक्टर के बारे में कि आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में और फिर हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में कि ये क्या हैं कैसी हैं पढ़ना सिर्फ यही है कि पब्लिक एंटरप्राइज होती क्या है उसके मेरिट्स उसके डीमेरिट्स उसके फीचर्स बस इतना सही पढ़ना है आप लोगों को पर वो है कितनी सारी वो आगे चल के पता चलेगा ठीक है तो पहला है इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि रोल ऑफ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर अब क्या था ना कि जब हमको स्वतंत्रता मिली थी मतलब फिफ्टीन अगस्त 1947 के बाद में जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ले लिया हमें बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई इतने 200 साल आ, मतलब अराउंड 200 साल के बाद में हम लोगों ने अलग ही जीवन को महसूस किया था तो तब क्या था ना कि हमारी जो प्रिय भारत सरकार है उसने सारा का सारा जो रोल है ना वो पब्लिक सेक्टर को दे दिया था कि भैया तुम संभालो तुम्हारे हाथों में है इस भारत सर भारत देश का जो भी भविष्य है वो सारा का सारा तुम्हारे हाथों में है प्राइवेट सेक्टर को ना ऐसे हटा देते कि निकलो कौन हो तुम हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर को पूरी पूरी मन मर्ज़ी के मालिक को बना दिया था कि तुम्हें जो जी में आए वो करो तुम अपने मतलब वो है ना कि अमीर बाप की औलाद है ये ठीक है ये जो चाहे वो कर सकती है तो पब्लिक सेक्टर वही थी कि मेरी जो मर्जी है वो मैं करूँगी ठीक है तो पर क्या होता था ना कि ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना काम नहीं कर पाई वो क्या हुआ कि वो बड़े बाप की बड़ी औलाद निकल गई है बहुत ही ज़्यादा बेकार ठीक है पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया कि इन लोगों ने ना उस हिसाब से काम नहीं किया ठीक है कोई डेवलपमेंट ये लोग कर नहीं पाए फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1991 ये साल ना सबके लिए बहुत ही खूबसूरत है स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोगों को आज इलेवेंथ में ही नहीं बल्कि आप लोगों को बारहवीं में भी ये साल पढ़ने को मिलेगा ये बहुत ही गोल्डन ईयर है ठीक है तब क्या हुआ कि हमारी भारत सरकार को ये समझ में आया कि हमने गलत हाथ में मतलब चीज़ों को दे दिया था हमें ऐसे काम करेंगे तो सम, समझ में नहीं आएगा चीज़ें ठीक है और सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो क्या करते हैं कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आते हैं ठीक है और उसमें क्या करा उन्होंने ग्लोबलाइजेशन लेकर आए और लिबरलाइजेशन लेकर आए ठीक है क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद तो बोल दिया कि पब्लिक सेक्टर तुम ही हमारी माई बाप हो तुम्हें जो चाहे तुम वो करो फिर क्या हुआ कि इन एंटरप्राइज में ऐसा कुछ काम खास काम किया नहीं कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं इन लोगों से हमारी जी डी रेट जो है वो लगातार गिरती चली गई तो फिर गवर्नमेंट है जो हमारी भारत सरकार है उसकी ना आंखें खुली उसके ऐसी आंखें खुली तो उसने बोला कि गाई ऐसे तो नहीं चल सकता है हम जी नहीं सकते हैं ऐसे ठीक है तो फिर वो जिस दिन जिस साल में उनकी आंखें खुली वो साल था उन्नीस सौ इक्यानवे मतलब 1991 नाइनटीन नाइन्टी नाए, वन ठीक है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर हमारी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आए जिसका खूबसूरत सा नाम है एल पॉलिसी ठीक है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ठीक है ये आप लोगों को इस पॉलिसी में पढ़ने को मिलता है पर इसका एक अलग से चैप्टर है वो आप लोगों को बाद में पढ़ना है बस ये बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्राइवेट और पब्लिक के बीच में क्यों ऐसी लड़ाई हुई थी मतलब क्या चीज़ क्या है इनका ठीक है इस न्यू पॉलिसी के अंदर क्या था कि जो डोमिनेंट पोजीशन थी पब्लिक सेक्टर की उसको अब है ना कम कर दिया था और हमारी प्राइवेट कंपनीज के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए थे ऐसे किस्मत के ना दरवाजे खुल गए थे हर जगह से ही प्राइवेट सेक्टर आइए आपको काम करना है आप कीजिए आपको आपको सहयोगी बनना है आप कीजिए आपको अपनी कंपनी खोलना है आप कीजिए ऐसे ना बहुत सारे डोर्स को ओपन कर दिया था हमारी खूबसूरत सी भारत सरकार ने और वो साल कौन सा था हम सभी के लिए नाइनटीन द गोल्डन ईयर फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है जिस साल हम लोगों ने एल को देखा और उसी के बाद से हमारी डेवलपमेंट का जो सफर है सुहाना सफर शुरू हो गया ठीक है अब क्या 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 हुआ कि public, तो कि पब्लिक आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स तो चुके हो होते होते हैं हैं उनमें कौन कौन होते हैं। लेकिन अब आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि वो हैं कितने प्रकार की तो पब्लिक सेक्टर जो है वो मेनली तीन तरीके की होती हैं मैंने लिखा भी था ना आर फॉर्म इन फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है तीन तरीके की होती हैं सबसे पहली डिपार्टमेंटल फिर है पब्लिक कॉरपोरेशन और फिर है हमारी खूबसूरत सी गवर्नमेंट कंपनी ठीक है अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं ये जो ये फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है इट इज़ जस्ट लाइक डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है कि ब्रांचेस होती है ना उस तरीके से उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इनके जो मेन फीचर्स होते हैं वो ये हैं कि ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ में आए कि कौन है ये ये वो हैं कि गवर्नमेंट की ब्रांचेज हैं ठीक है गवर्नमेंट एक है और उसके अलग 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 ब्रांचेज के अंदर ये लोग बटे हुए हैं ठीक है ये वो है हमारे लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है कि एक डिपार्टमेंट यहाँ हो गया एक डिपार्टमेंट वहाँ हो गया और इसको कम्प्लीटली नियंत्रण किया जाता है हमारी भारत सरकार द्वारा ये नियंत्रित की जाती है ठीक है क्योंकि पब्लिक सेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करने वाली है अब इसके कुछ ना खूबसूरत से फ़ीचर्स हैं कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये हमारे लिए गवर्नमेंट अंडरटेक मतलब वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पहला है कि ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर ना पब्लिक सेक्टर को ऐसे बोल दिया कि तुम व्यवस्थित बाहर रहो तुम्हें आना ही नहीं है जो भी कंट्रोल है जो भी हमारा मैनेजमेंट होगा जो भी ऑर्डर हमें दिए जाएंगे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारा का सारा काम जो है वो हमारी खूबसूरत सी भारत सरकार करेगी ठीक है गाइज फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग वाली बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है ठीक है ये अलग नहीं है उससे इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट की वजह से तरफ से ही होंगी ठीक है हाँ तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब यही है कि ये सिर्फ़ है ना हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है ये कोई अलग नहीं है हमसे ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है इसलिए इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात यहाँ आती नहीं है फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट अब जो भी इन्हें पैसा चाहिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारा का सारा इन्हें हमारी भारत सरकार देगी ठीक है रेवेन्यू गेट्स डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी अब क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं जो ये जो एंटरप्राइज है जो सेक्टर है जब पैसा कमाता है जो भी इनको रेवेन्यू मिलता है जो भी इनकम इनकी होती है वो हमारे भारतीय राजकोष में जमा कर दी जाती है भारतीय राजकोष मतलब जो हमारा आ, वो है ना ट्रेजरी हाउस है ठीक है हमारे जो भारत का गवर्नमेंट ट्रेजरी है वहां पर इसको जमा कर दिया जाता है ठीक है ये इनकम जो करते हैं उसे भारतीय राजकोष के अंदर जमा कर दी जाता है जमा कर दिया जाता है ठीक है ऑपरेटेड बाय सिविल सर्वेंट्स अब ये आप और मैं लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते ठीक है हमारे जैसे आम लोग इस एंटरप्राइज को या इस सेक्टर के अंदर आ नहीं सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो एग्ज़ाम निकालते हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही इसको ऑपरेट कर, कर, कर सकते हैं वही रेगुलेट कर सकते हैं वही मैनेज कर सकते हैं ठीक है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ठीक है हमारी जो मिनिस्ट्री है वही कंट्रोल करती है। मतलब ऑल इन ऑल अब कुछ भी जो भी काम है ना वो सारा का सारा इसमें भारत सरकार का ही है और कोई नहीं कर सकता है ठीक है कैन बी स्यूड बाय द प्रोसीजर ऑफ सुंग स्यूइंग द गवर्नमेंट अब सीयू करना मतलब क्या होता है जेल भेजना ठीक है सीव करना ये कि अगर आपको गवर्नमेंट ये वाले एंटरप्राइज को आपको सी करना है तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसे आप किस कभी गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी और गवर्नमेंट को सीव करने के लिए फॉलो करते हो वही प्रोसीजर इस एंटरप्राइज़ को सीव करने में भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है कोई अलग से आप लोगों को कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है वही सेम प्रोसीजर की कल को मालूम चल गया कि कोई भी एंटरप्राइज़ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी तो उसको सीव करने के लिए या उसने आपके साथ में धोखाधड़ी कर दी तो उसको सीयू करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि आप गवर्नमेंट को सीयू करने में यूज़ करते हैं ठीक है तो ये है हमारे लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अब इनके कुछ मेरिट्स ज़रूर होंगे मेरिट्स हैं इनके ईजी टू फॉर्म ईजी फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर है नो no रजिस्ट्रेशन इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना हुआ है जैसे कि हमारी कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है हमारी पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है हमारी और वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था उसका भी एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो 2005 वाला जो है पर यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट वाली जो है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं इसमें कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जहाँ पर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है ठीक है तो ये रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से क्या होता है नहीं कराने की वजह से कि बहुत जल्दी बन जाती हैं ये चुटकियों में तो रातों रात बन जाती हैं ठीक है थीके? तो इसलिए यहाँ पर इजी फॉर्मेशन है कि कोई भी लीगल प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है या कोई भी एक्ट के अंतर्गत आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है ठीक है इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है तो इसलिए यहाँ पर इफ़ेक्टिव कंट्रोल देखने को मिलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो सकता है मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाग मतलब उपयोगिता हमें दी जाती ठीक है जितना हम इनपुट लगाते हैं कम से कम इनपुट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देखने को इस ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है इन एंटरप्राइजेस में मिलता है अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि डायरेक्टली कंसर्न होती है पार्लियामेंट से ठीक है इनके जो भी अकाउंट्स होते हैं जो भी इनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं और क्या होता है कि इनके अकाउंट्स पब्लिक में इशू भी होते हैं ठीक है थीके? हम रेलवे के बारे में पढ़ते हैं हम पोस्ट ऑफिस हैं और भी चीज़ें डिफ़ेंस के बारे में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वह हम लोगों को पता होती हैं ठीक है थीके? तो पब्लिक को देखते हुए मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब कि इनके जो भी चीज़ें हैं इस पर आप भरोसा कर सकते हो ठीक है क्योंकि वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है पब्लिक रेवेन्यू मतलब पब्लिक रेवेन्यू का मतलब ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा अभी लास्ट टाइम हमने एक फीचर देखा इसका कि इसका जो भी पैसा है रेवेन्यू गेट्स डिपॉजिटेड इन पब्लिक गो सॉरी गवर्मेंट ट्रेजरी ठीक है तो क्या होता है ना कि पब्लिक रेवेन्यू से मतलब यहाँ पर ये कि जितनी भी इनकम होती है इनकी वो तो हम हमारे गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देते हैं तो उससे क्या होता है ना कि ये हमारे रेवेन्यू को अपग्रेड करने में हमें इम्प्रूव uh, करने में हेल्प करती ठीक है इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं सीक्रेसी का मतलब ये है कि जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मेंटेन करके रखती हैं ठीक है थीके? इनको हर एक चीज़ मतलब पब्लिक uh, की उसके लिए मतलब पब्लिक की सहायता के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए इसकी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेफ तरीके से मतलब सीक्रेट उसके अंदर मेंटेन किया जाता है ठीक है जिसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं जो हमारा डिफेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट कंट्रोल रखा जाता है सीक्रेसी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि क्या होता है ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है मतलब हमारी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनका जितना भी जो भी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही सीक्रेट रखी जाती हैं ठीक है, है? सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती है गवर्नमेंट जो है वो सार्वजनिक हित को देखते हुए अवॉइड कर सकती इनके सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना ठीक है हमारे सामने लाके कि पब्लिक को ज़्यादा उनके सेफ्टी के लिए वो इस इस काम को मेनटेन करती है उनका ये मेन रूल होता है ठीक है सीक्रेट मेनटेन करना इन चीज़ के अंदर जैसे कि इसी रूल की वजह से जो जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है वो इस जगह पे काम करते हैं और उसका एग्जाम्पल है डिफेंस ठीक ठीक है डिफेंस जो है वो हमारे लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर काम करता है ठीक है सीक्रेट मेंटेन करना इन लोगों का मेन रूल है फिर है हमारे खूबसूरत से डीमेरिट्स जहाँ पर आपको इसके मेरिट्स के आगे इसके डिमेरिट्स से, से लगेंगे कि बस उल्टा ही लिख दिया इनका तो हाँ उल्टा ही है इन फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत है कोई भी डिसीजन लेना है कोई भी मैनेजमेंट काम करना है या कुछ भी ऑर्डर पास करना है तो पहले आपको ढेरों ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी उनके बीच में आपके ऑर्डर को आपने जो आप करना चाहते हो जो भी डिसीजन है उसको डिस्कस करना पड़ेगा फिर वो लोग हाँ बोलेंगे तब जाकर कहीं आप काम कर पाएंगे और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेंदी काम है लेंदी प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है ना कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो मतलब कि तुरंत आपके दिमाग में आएगी अच्छा ये काम करें तो इम्प्लीमेंट कर दें तो ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा मतलब उनको डिस्कस करना हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है तो ये सारे काम करने में ना समय लगता है और वो समय हमारे पास होता नहीं है इसलिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए कि हम लोगों ने मोटिवेशन पढ़ा है कि हर किसी का मोटिवेशन होता है प्रॉफिट अगर मुझे कहीं भी प्रॉफ़िट दिखता है तो मैं वहाँ काम करना शुरू कर दूंगी लेकिन क्योंकि इनका सारा पैसा तो हम जरी में डिपॉजिट करा देते हैं तो इनके पास में ना वो प्रॉफिट इंसेंटिव बचता ही नहीं है कि कल से मैं अच्छा काम करूंगी तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि उसको पता है ना कि कितना भी काम कर लो कितना भी प्रॉफिट कमा लूँ जाना कहाँ है भारतीय राजकोष में तो वो लोग फिर थोड़ा सा ढील डोल करना शुरू कर देते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो लैक ऑफ़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये वाली जो एंटरप्राइज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती मतलब कैसे कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ले लें हमारी हमारे एंटरप्राइज़ के नाम पे तो वो नहीं कर पाती क्यों क्योंकि इनका जो भी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट बजट्स के अंदर निकला जाता है ठीक है जो हमारे एनुअल बजट होते हैं उनमें इनके सारे कामों को किया जाता है कि इसको कितना वो दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको कितना दिया जाएगा जो हमने पढ़ा ना कि पीछे जो भी रिसोर्सेज़ uh, हैं मतलब इसको जो भी uh, पैसे मिलने वाले वो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले हैं ये रहा फुल्ली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट तो उसमें क्या होता है कि जब हर साल बजट निकलता है उसमें इनके इनके पार्ट्स निकलते हैं कि हमारे इसको इतना दिया जाएगा इसको इतना दिया जाएगा तो वहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्योंकि पूरी गवर्नमेंट की तरफ है तो इनके पास में ना इंडिपेंडेंस नहीं है पूरी तरीके से क्योंकि पैसा किसका लगा है इनके पास में भारत सरकार का और जो इनकम कमाने वाले हैं वो किसके पास जाने वाली भारतीय राजकोष में तो इनको अगर अपने पैसे को इस्तेमाल करना है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम इनके पास में नहीं होती है ठीक है अगर ये चाहें कि इनको कहीं और इस्तेमाल कर लें कहीं और इन्वेस्टमेंट में डाल दें तो वो ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं इन एफिशियंट मैनेजमेंट इसलिए कि आप लोग देखते ही हैं कि कभी सरकारी ऑफिस में जाना ऐसी मस्त फाइलों का ढेर लगा हुआ होता है हर जगह फाइल ही फाइल पेपर ही पेपर पेपर ही पेपर दिखते हैं आपको ठीक है तो इन के जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो पेपर के अंदर घिरे हुए होते हैं और दूसरी चीज़ दूसरा सबसे बेकार काम कि कभी भी उठा झूठा ट्रांसफ़र हो जाता है ठीक है ठीक है इनका एक महीना हुआ नहीं कहीं किसी प्लेस पे सेटल हुए को और उसी तुरंत उसी के बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक महीने के बाद में तो वो ट्रांसफ़र और वो उन ऑलरेडी इतने सारे पेपर हैं हमारे पास में तो उस वजह से ना वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते अब आप सोचोगे कि इसमें क्या मैनेजमेंट क्योंकि उनका पेपर वर्क ऑलरेडी बहुत बचा हुआ होता है ठीक है ट्रांसफ़र इतने होते रहते हैं तो उनको वो डिसीजन को डिस्कस करना वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना वो रहता ही नहीं वो खुद को ट्रांसफ़र करने अब कहीं किसी का ट्रांसफ़र होता है तो कहीं जाने में कहीं आपको सेटल होने में एक महीना लगता है और आप एक महीने में सेटल हुए और अगले ही दिन आपको ऑर्डर आता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया है तो फिर वही बात ना कि वो उस उस जगह के लिए जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है वो काम कर ही नहीं पाते हैं वो लोग इसलिए यहाँ पर है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ठीक है क्योंकि इनके पास में बहुत सारा पेपर वर्क होता है और वो डीले पे डीले होते जाता है कि आज नहीं कल कर लेंगे इसलिए बोला डोंट प्रू क्रासिने ठीक है आज का काम आज ही करना है भले ही कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में ठीक है अगर आज कुछ टास्क सोचा है तो बिल्कुल उसको पूरा करो डोंट डीले ठीक है इन मैनेजमेंट आप लोगों को समझा दिया मैंने रेड टेपिस में का मतलब होता है कि इनके पास ना बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क है इतना लेंदी पेपर वर्क होता है इन लोगों का कि हर चीज के लिए पेपर वर्क पेपर वर्क पेपर वर्क तो वो डी मेरिट है यहाँ पर कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको हज़ारों फाइल को जमा करना पड़ेगा तब जाके आपका कोई काम यहाँ पर हो पाता है तो ये इसके कुछ सुंदर से डी मेरिट्स हैं एडवांटेजेस हैं इसको आपको याद करना है ठीक है इन पॉइंट्स को याद रखना है आपको इसके अंदर आपको अपने हिसाब से ही लिखना है इन फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ रही है कि फ्लैक्सिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है लैक ऑफ मोटिवेशन सॉरी लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास में प्रॉफ़िट इंसेंटिव तो है ही नहीं हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर से हमारा जो पैसा है वो सारा का सारा हमारे ट्रेजरी में चला जाएगा ठीक है हमारे ट्रेजर के अंदर जमा हो जाएगा तो हमें तो कोई प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाला है तो मतलब ही नहीं है ना इतना सारा काम करके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्योंकि इनको बजट के अंदर ही सारा कुछ कंट्रोल दिया जाता है तो इनके पास में ना हक नहीं होता अधिकार नहीं होता कि अपनी कमाई हुई पैसे जो हैं इस एंटरप्राइज को कहीं और लगा दें कि किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट डाल दें या और चले जाएं ये इनके पास में नहीं होता है मैनेजमेंट क्योंकि इसके जो लोग हैं बेचारे पेपरों में घिरे हुए होते हैं इसका पेपर चेक करो ट्रांसफर देखते रहो ये करते रहो तो मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है रेड कि पेपर ही काम करे जा रहे हैं बस पेपर 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 बुलाते जाते हैं कि आओ लाओ आपको कुछ काम कराना तो पहले दस डॉक्यूमेंट दिखाओ तब जाके आपके काम को पूरा किया जाएगा ठीक है तो रेड इसमें का मतलब ये है हमारे पास में कि जो भी मतलब सॉरी हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो लीगल प्रोसीजर है उसमें बहुत सारा पेपर वर्क लगता है जिसमें कि इनका इनोवेशन अगर हो गया कोई नया आइडिया आ गया कुछ इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव काम करने का इनके पास में वक्त ही नहीं होता है तो उससे क्या है ना कि इनकी ग्रोथ जो है वो हिंडर होती है और वो ग्रोथ कभी नहीं हो पाती है ठीक है वो फिर फंसे के फंसे ही रह जाते हैं ठीक है ये डीमेरिट्स हैं अब आपको पढ़ना है पब्लिक कॉरपोरेशन ये क्या बात है ये कौन है व्यक्ति इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका नाम मतलब ये जो है बॉडी कॉरपोरेट है ठीक है अब आप लोगों को पता चलेगा कि बॉडी कॉरपोरेट्स क्या होती हैं इट इंक्लूड्स ऑल कंपनीज ठीक है फॉरेन कंपनी हो गई और आपकी जो कंपनीज होती हैं जितनी भी प्रकार की कंपनियाँ होती हैं वो इसके अंदर आती हैं साथ ही साथ इसके अंदर जो अलग से स्टेटरी कंपनीज़ होती हैं ठीक है ठीके? जो खुद के लीगल एक्ट पे काम करती जैसे कि आई हो गई जिसका खुद का एक्ट है उसके अंदर काम करती जो कंपनीज एक्ट टू के अलावा भी कंपनीज़ होती हैं वो भी इसके अंदर काउंट होती हैं ठीक है ठीके? जैसे आई हो गई आई हो गई जो सी को रेगुलेट करती है सी वाले लोग हो गए ठीक है तो वो होती हैं बॉडी कॉरपोरेट ठीक है फॉर्म बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में इस कंपनी के मतलब इस कॉरपोरेशन के लिए स्पेशल एक्ट पास किया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी इसके कुछ मेन फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि इसका जो फ्रॉमेशन फॉर्मेशन है ये ठीक है इसको देख लेना एक बार हाँ तो इसका जो मेन फीचर है ये कि इसको फॉर्मेशन जो है वो पासिंग एक्ट पास कर कर ही आप इसको फॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल बाय गवर्नमेंट मतलब कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे भारत सरकार द्वारा है और आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल किए जा सकते हो ठीक है सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि इसकी जो इसका जो एंटिटी है मतलब इसका जो अस्तित्व है वो अलग है ठीक है ये सेपरेट है इसकी चीज़ों से जैसे एक बार इसका एक्ट बना और पार्लियामेंट में पास हो गई तो फिर ये सेपरेट हो जाती है जैसे हमारी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट की पार्ट होती, होती है ठीक है उसकी ही ब्रांचेज होती हैं लेकिन ये गवर्नमेंट की ब्रांच नहीं होती लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती director, की है ठीक है मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं ये वाले जो लोग हैं इनको हमारी जो सुंदर सी भारत सरकार है वो अपॉइंट करती है और फिर वो इन कॉरपोरेशन को मैनेज करते हैं ठीक है पावर्स एंड आर डिफाइंड इन एक्ट ओनली इसके जो भी पावर्स हैं जो भी रूल्स हैं जो भी रेगुलेशन ये फॉलो करने वाली है वो इसके उसी स्पेशल एक्ट के अंदर स्पेसिफाई या डिफ़ाइन किए जाएंगे ओन स्टाफ मतलब इसका खुद का अपना स्टाफ होता है ये लोगों को अपॉइंट करती है वहाँ पर और अपना मस्त इन्जॉय करती है काम करना ठीक है यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़ीरो बराबर होता है ठीक है गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़रूर होता है लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी वही कि ये अपनी ऑटोनॉमी को इन्जॉय करती है कि मस्त मज़े से ये फ्रीडम को इन्जॉय करती है ठीक है यहाँ पर ऐसा वो पेपर 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 में घिरे हुए नहीं होते इसको जो डिसीजन लेना है इसको जो मैनेजमेंट करना है वो अपने हिसाब से ये इन्जॉय करती है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट क्योंकि इसको ऑलरेडी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया है तो इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट को देना पड़ता है ठीक है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्लियामेंट को हर उस बात का जवाब दे जो उससे पूछी जाएगी ठीक है क्योंकि इसका काम है सर्विस मोटिव करना सर्विस प्रोवाइड करना हमारे जो पब्लिक है उसको सर्विस प्रोवाइड करना तो ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार ठीक है हर एक अपने एक्ट के लिए वो पार्लियामेंट की तरफ जिम्मेदारी निभाती है ठीक है कल से कुछ गलत करेगी तो पार्लियामेंट इसको बंद करने का एक्ट भी बता सकता है क्योंकि अगर इसको लॉ नहीं जन्म दिया है तो लॉ ही इसे मार भी सकता है ठीक है तो ये अकाउंटेबल होती है हमारी खूबसूरत सी पार्लियामेंट को मैरिट्स पढ़ने को मिलेंगे आपको सबसे पहला मैरिट्स तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यहाँ पे आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आपको जैसा काम करना है आप वैसा काम कर सकते हैं ठीक है विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्विक डिसीजन इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीगल प्रोसीजर नहीं हैं और बहुत से लोगों के बीच में आपको डिस्कशन नहीं करना है तो इसलिए आप यहाँ पर क्विक डिसीजन ले सकते हो इनका मेन काम होता है सर्विस मोटिव ठीक है एफिशिएंट स्टाफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट तो किए जा रहे हैं लेकिन एफिशिएंट मैनेजमेंट भी हो जाता है यहाँ पर क्योंकि स्टाफ इसका बहुत खूबसूरत होता है इस खूबसूरत से मेरा मतलब है कि इनका जो स्टाफ है ना वो बहुत ही शानदार होता है ठीक है बहुत अलग ही लेवल के लोग होते हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और पैशनेट होते हैं टू वर्ड्स देयर सर्विसेज ठीक है वो हर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं ठीक है हाँ तो जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है वो इसलिए भी क्योंकि इनके ओन रूल्स हैं इनके खुद के रूल्स हैं रेगुलेशन हैं इनके काम करवाने के कि ये अगर चाहें कि एम्प्लॉयज़ को अगर इंसेंटिव देना है तो वो उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं ठीक है तो अपनी ओन पॉलिसी के द्वारा या अपने स्टाफ को एफिशिएंट काम करने पर मतलब हाँ काम करवाने में हेल्प कराते हैं ठीक है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है मतलब ये लोग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं इतना पैसा होता है इनके पास में तो ये मैनेजमेंट जो भी काम है डिसीजन जो है मैनेजमेंट जो भी करने का है जो भी मैनेज करने का काम है वो सारा का सारा सारा हमारे प्रोफेशनल व्यक्तिज करते हैं अब क्योंकि मैरिट्स है तो डी मैरिट्स भी होंगे ही थियोरटिकल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ऑन पेपर वाली बात है भैया लिख तो दिया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है लेकिन होने वाली नहीं क्योंकि वो ऑन पेपर होती है ठीक है अब कंट्रोल गवर्नमेंट का है इसलिए लैक ऑफ इनिशिएटिव इसलिए इनिशिएटिव लेने में हर कोई डरता है ठीक है तो यहाँ पर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है रिजिड स्ट्रक्चर्स मतलब रिजिड मतलब जो कि फ्लेक्सिबल ना हो ठीक है बहुत ही ज़्यादा सख्त सख्त जो होता है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर इलीगल काम भी हो जाते हैं ठीक है थीके? आप तो देखते ही हैं ना कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं रातों रात बन जाती हैं तो अब वो इलीगल ही हो गया रातों रात कौन सी कंपनी बन जाती है कंपनी बनने में ना बहुत चप्पलें घिस जाती लोगों की पर यहाँ पे ऐसा हो जाता है क्योंकि ये अनफेयर प्रैक्टिस को भी फॉलो कर लेती हैं इसलिए जो भी है इनका हो जाता है इनके वजूदों से ठीक है तो लैक ऑफ इनिशिएटिव इसलिए कि यहाँ पर ना जो भी काम है मतलब सर्विस मोटिव होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इनके इनिशिएटिव लेने में ये सोचते हैं कि हम क्यों लें क्योंकि हमें तो प्रॉफिट मिलना ही नहीं हमारा तो मेन काम सर्विस मोटिव है तो यहाँ पे इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है रिजिट स्ट्रक्चर मतलब कि अगर कोई चीज़ चेंज करनी है अगर आपको कोई रूल में बदलना है कोई रेगुलेशन बदलना है आपको तो आपके आपको स्पेशल एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा ठीक है अमेंडमेंट डालना पड़ेगा उसमें और वो अमेंडमेंट में बहुत वक्त लगता है ठीक है जिस वजह से टाइम टेकिंग हो जाता है वो तो वो एक डिमेरिट है आपके लिए अनफेयर प्रैक्टिस मतलब कि क्योंकि यहां पर ना अब अनफेयर प्रैक्टिसेज मतलब का मतलब यही हो सकता है कि यहाँ पर इलीगल काम भी शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे शुरू कर दी जाती हैं ज़्यादा कुछ हम इसके अंदर ना पढ़ें तो ही बेटर है पर हाँ ठीक है अनफेयर प्रैक्टिस मतलब कि इलीगल कामों को भी यहाँ पर शुरू कर दे देते तो डीमेरिट्स में हो गए आपके थियोरटिकल ऑटोनॉमी कि सिर्फ नाम की है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हमारे पास तो सिर्फ ऑन पेपर है वो वास्तविकता तो यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है ठीक है फिर लैक ऑफ इनिशिएटिव की एम्प्लॉय प्रॉफिट मोटिव काम नहीं होता है सर्विस मोटिव होता है तो हर कोई अपने अपने जो क्रिएशन है अपनी जो आर्ट एक्टिविटी है स्किल्स को है वो डेवलप करता ही नहीं है और वो कंपनी के लिए भी कोई ज़्यादा काम करता ही नहीं मतलब कॉरपोरेशन के लिए रिजिट स्ट्रक्चर अगर कुछ भी चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट डालना पड़ेगा और अमेंडमेंट के लिए लगता है बहुत समय तो वो समय सब हर किसी के पास होता नहीं है इसलिए यहाँ पर रिजिट स्ट्रक्चर देखे जाते हैं अनफेयर प्रैक्टिसज़ यहाँ पर देखा गया है बहुत सी जगहों पर कि अनफेयर प्रैक्टिस होती हैं ठीक है इलीगल कामों को भी यहाँ पर जो है अंजाम दे दिया जाता है अब आपको पढ़ना है गवर्नमेंट कंपनी अब ये ये ऐसी कंपनी होती जिसके ना एटलीस्ट 51 परसेंट ऑफ़ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की भारत सरकार द्वारा ली जानी चाहिए ठीक है मतलब कोई भी कंपनी जिसकी 51 परसेंट ऑफ़ शेयर कैपिटल जो है पेड अप शेयर कैपिटल अगर भारत सरकार द्वारा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट या आधा स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से किसी ने भी अगर 51 परसेंट शेयर ले रखे हैं तो वो ऐसी कंपनी कहलाएगी हमारे लिए गवर्नमेंट कंपनी ठीक है अब इसके कुछ फीचर्स ये हैं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसको और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है ठीक है जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर इनको बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के तो काम कर ही नहीं सकते अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अगले ही दिन आपको बंद करना पड़ेगा अपने आप को ठीक है ओन बाय गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि जिसके भी फिफ्टी शेयर से ज़्यादा जिसके पास में है तो मतलब पूरा का पूरा अधिकार ही उसका है 50% परसेंट से ज़्यादा जिसके शेयर आ गए उसके अधिकार ही उसका हो जाता ठीक है एटलीस्ट एटलीस्ट बोला है हाँ मैक्सिमम नहीं एटलीस्ट मतलब 51% परसेंट तो होना ही है फिर तो वाले हंड्रेड परसेंट भी हो सकते हैं लेकिन फिफ्टी वन परसेंट तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट होगा तब जाकर कहलाएगी हमारे लिए गवर्नमेंट कंपनी ठीक है मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनके द्वारा ये मैनेज की जाती है ये सेपरेट लीगल एंटिटी का ही पार्ट होता है मैं इसलिए इतना स्पीडली पढ़ा रही हूँ इस चीज़ों को क्योंकि इनके अंदर आना वही चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में मेन पढ़ ली है ठीक है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल क्योंकि अभी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको जो कंट्रोल है वो सारा का सारा हमारी मिनिस्ट्री जो है वो इसको कंट्रोल करेगी मैनेज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और इसका जो ओन है मतलब इसको इसका जो मेन अधिकार जिसके पास में वो हमारी भारत सरकार के पास होता है ठीक है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसके अंदर पैसा आ सकता है ठीक है बजट के अंदर इसके सारे रूल्स को लिखा जाएगा या इसको कभी पैसे की नीड होती है तो वो अपनी सरकार से हेल्प ले सकती है एफिशिएंट स्टाफ भी इसीलिए कि हाँ गवर्नमेंट वर्कर्स हैं तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई उठा छोटा गवर्नमेंट सरकार ऑफिसर बन जाएगा पर हाँ स्टाफ एफिशिएंट होता है इनका और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको सारी चीज़ों को शो करना पड़ता है ठीक है तो ये पब्लिक की तरफ अकाउंटेबल होती है इसलिए इसको अपने अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है ठीक है जिम्मेदारी इसको अपने मेंटेन करके चलनी पड़ती है ठीक है तो ये इसके कुछ सुंदर से फ़ीचर्स हैं आप लोगों को नोट्स में इसका पूरा पूरा प्रोफार्मा लिखा हुआ मिलेगा कि आपको इसके अंदर भी लिखना कैसे है लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ क्योंकि वही बात बार बार समझाई गई है ठीक है कि गवर्नमेंट कंपनी तो मतलब मैनेज भी गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी कंट्रोल भी गवर्नमेंट द्वारा ही की जाएगी और ओन भी गवर्नमेंट द्वारा ही की जाएगी ठीक है स्टाफ एफिशिएंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो बहुत ही हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है पैसा कम है क्या इनके पास में फिर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि स्पीडली चलते हैं फालतू तो इतना घुसने में कोई मतलब नहीं थी कि इसके अंदर जो आपको लिखने को अब आपको नोट्स में पूरी पूरी तरीके से मिल जाएगा रटना चाहो तो रट सकते हो पर रटना नहीं है हमें समझना है क्योंकि हम समझेंगे और हम समझ के ही लिखेंगे मेरिट्स ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यहाँ भी बोल रखा है कि आपको मस्त राइट्स हैं कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आपको जो भी डिसीजनस लेने हैं जो भी आपको काम करने हैं वो आप कर सकते हो ठीक है आगे देखेंगे कि ऐसा सच में भी है या नहीं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे डिसीजन में डिसीजन लेने में ना ज़्यादा देरी नहीं होती है जैसे फ्लेक्सिबल है ये हर चीज़ में कि कोई डिसीजन लेना है कुछ चेंज करना है कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी इसको अपने अंदर चेंज लाना हो तो वो फ्लेक्जिबल है ठीक है एफिशेंट स्टाफ है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और को लेबोरेशन का मतलब होता है कि ये मिल सकती है ठीक है जैसे आधी स्टेट आधी सेंट्रल आधी प्राइवेट आधी पब्लिक ठीक है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है फिफ्टी शेयर भले ही गवर्नमेंट के पास है लेकिन बचे हुए फोर्टी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर कोलेबोरेशन की वजह से आपके पास में हो सकता है कि आ, काम बहुत अच्छा हो जाए ठीक है अब डी मेरिट्स ये हैं कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली मैंने कहा था ना कि ये भले ही बात लिखी हुई है लेकिन बात यहाँ आ जाएगी ठीक है वो ऑन पेपर ही है वो लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस आपके गवर्नमेंट ऑफिसर पोक करेंगे क्योंकि भैया मेरे पास में 51 वन परसेंट पेडअप शेयर कैपिटल का अधिकार है ठीक है तो मैं ही मालिक हूँ इसलिए मैं जैसा बोलूँगा वैसा होगा यही देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और बोर्ड पैक्ड विथ येस मैन तो ये है कि बोर्ड पैक्ड विथ ई एस का मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के वो कम्प्लीटली ना क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को खुश करने में लगे हुए होते हैं कि भारतीय है सरकार है भैया खुश कर लो जितना अच्छा हो सकता है हमें अच्छा ही मिलेगा ठीक है इंस्टेड ऑफ़ कि वो कंपनी की एफिशिएंसी के ऊपर कंपनी के इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करे तो वो क्या किस बात में लगी हुई थी गवर्नमेंट को प्लीज़ करने में कि भैया मान जाओ हम अच्छे लोग हैं हम अच्छा करते हैं ठीक है थीके? तो ये डी मैरिट है इसका क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो सारा का सारा काम आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कैसी होती ठीक है तो ये डी मेरिट्स हो गए इसके मेरिट्स हम लोगों ने देख लिए मेरिट्स जितने भी थे वो अल्टीमेटली डी मेरिट में ही कन्वर्ट हो चुके हैं ठीक है थीके? क्योंकि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली लिया बता दिया गया है कि सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ है कि आपको जैसा चाहे आप वैसा करो पर वास्तविकता यह है कि हम तो आपको इंटरफेरेंस करेंगे भैया हम तो रोकेंगे हमको कौन रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता है ठीक है तो अब चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 अब तब तक क्या क्या चीज़ें थी ठीक है मतलब उसके बाद में क्या चेंजेस आए हैं हमारी पॉलिसी के अंदर ठीक है पॉलिसी आने के बाद में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी हैं जैसे कि सबसे पहला है रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर क्या होता है ना कि अभी आप लोग आगे देखोगे चीज़ों को कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ना रिज़र्वेशन होती थी कि सत्रह इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं मैं वो रिडक्शन नंबर आप लोगों को बताऊँगी कि वो कितनी कितनी कर दी गई हैं जो पब्लिक सेक्टर को जो इंडस्ट्रीज़ रिजर्व की गई थी ना उनको बहुत हटा दिया है छाट दिया है उनको ठीक है तो कुछ ही बची हैं वो अब तो उन्हीं के पास में ठीक है डिसइनवेस्टमेंट अब ये क्या होता है ठीक है तो डिसइनवेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी शेयर गवर्नमेंट कंपनी के पास से 51 परसेंट किसी कंपनी के शेयर जो हैं मतलब पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है उसके पास में तो अब जब उन्होंने देख लिया इस पॉलिसी के आने से क्या हो गया है ना कि डिसइनवेस्टमेंट शुरू हो गई क्या हुआ कि जो शेयर थे वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिए डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने शेयर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर देना ठीक है कंप्लीटली उनको दे देना आप चाहो तो पूरा भी दे सकते हो चाहो तो आप आधा भी दे सकते हो इससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इफेक्टिवनेस है प्राइवेट सेक्टर का जो इंप्रूवनेस है वो आप लोगों की कंपनी के ऊपर दिखेगा और एक चीज़ की जो रिस्क है वो पब्लिक से पूरी की पूरी, पूरी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चली जाएगी कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन इस एंटरप्राइज की जो जिम्मेदारी है वो कंप्लीटली 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 प्राइवेट सेक्टर की बन जाती है ठीक है फिर है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स अब क्या था कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो लॉस में सफ़र कर रही होती थी ठीक है फिर भी उनको गवर्नमेंट चलाती थी कि चलो तुम तो धक्का लगा लगा के चलाती थी पर अब जब 1991 से हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी को देखा और हमने उसमें ये सारी चीज़ों को देखा तो हम लोगों ने क्या करा सबसे पहला डिसीजन था कि जो भी लॉस में रनिंग एंटरप्राइजेज हैं जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी लॉस में रन कर रही हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाए ठीक है और उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए उससे क्या होगा एफिशिएंसी आएगी हमारे पास में जो लॉस हो रहा है वो कम होने लग जाएगा और इफेक्टिवनेस भी दिखेगी तो 1991 के बाद में 1991 के बाद में तुरंत ये चीज देखी गई कि हमारी जो भी लॉस यूनिट थी ठीक है लॉस में रनिंग यूनिट थी उनको तुरंत ही बंद करने के फ़ैसले सुना दिए गए थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपको आपके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की पूरी पूरी छूट दे दी जाती है ठीक है से कि अगर आपको कोई काम करना है तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बोला गया है कि आपको जैसा काम करना है आप करो लेकिन अगर आपने अपना काम टाइम पर ख़त्म नहीं किया या आपको वो रिजल्ट नहीं मिला तो आप फिर अकाउंटेबल हो जाओगे ठीक है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों को एक चीज़ और हो जाती है कि आपको ना मिनिस्टर्स के जो मतलब ना उंगली करने वाली बात ख़त्म हो जाती है वो लोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं इंटरफेरेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है इस डॉक्यूमेंट के होने की वजह से ठीक है इसमें आपको वो सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि आपको जो भी काम करना है जो भी आपको आ, न्यू चीज़ें लेकर आनी है या कुछ भी अमेंडमेंट कर अमेंडमेंट तो नहीं कुछ भी आपको चेंज करना है डेवलप करना है मैनेज करना है तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे काम कर सकते हो ठीक है विदाउट मिनिस्टर्स ऑफ इंटरफेरेंस ठीक है तो ये थी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे 1991 को लेकर कि जो 1991 में जो हमारी पॉलिसी आई थी उसमें क्या था तो जो हमारी 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको कर दिया गया थ्री इंडस्ट्रीज़ तक ठीक है मतलब ऐसी सत्रह इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारी भारत सरकार के द्वारा रिजर्वड थीं कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता लेकिन 1991 के बाद में वो सत्रह से हो गई सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज ठीक है इन्वेस्टमेंट टू सेल द शेयर टू मतलब टू सेल आउट द शेयर टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ठीक है आपके जितने भी शेयर्स हैं आप जितना देना चाहते हो भरपूर आपकी इच्छा आपके ऊपर है कि आप चाहो तो पूरे के पूरे शेयर बेच दो और चाहो तो आधे शेयर भी बेच सकते हो ठीक है पॉलिसी रिगार्डिंग सेक यूनिट्स की जितनी भी लॉस रनिंग एंटरप्राइजेस थी उसको तुरंत बंद करने के फैसले सुना दिए गए इस और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया गया था कि इसको जो भी हमारी कंपनी है हमारी जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको जैसा काम करना है वो वैसा काम कर सकती हैं ठीक है थीके? कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा लेकिन प्रोवाइडेड दैट बाय शर्ता बाय मतलब शर्त यह है कि आपको आपका काम दिखाना है अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया से आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं एक महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगा और आप मेरे रिजल्ट देखो तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे कुछ भी काम नहीं करने को बोलेंगे तुम रहो तुम्हें जैसा काम करना है लेकिन एक महीने बाद अगर तुम्हारा रिजल्ट बेकार आ गया बेटा तो फिर देख लेना ठीक है तो ऐसे ही था कि तुम्हें जो करना है वो करो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे लेकिन जो तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है ठीक है तो वो ये चीज दिखाता था ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है अब है ग्लोबल एंटरप्राइज सुनने में सारे ना ग्लोबल 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 तो मतलब हाँ वही चीज़ कि जो कि ग्लोबली ऑपरेट होती होगी ठीक है कंपनी ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्रीज नोन एज मल्टी नेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस ठीक है वो कंपनियाँ जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में काम करती हैं वो कहलाती हैं मेरे लिए ग्लोबल इंटरप्राइजेज या फिर मल्टी कंपनीज ठीक है सभी का सपना होता है आ, कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे हम यहाँ ये यह करेंगे जितने भी सी कर रहे होते बच्चे उनका एक सपना होता है कि हमें मल्टी कंपनी में इंटरशिप कर इंटर्नशिप करने का मौका मिले ठीक है तो वो यही है मल्टी नेशनल कंपनीज़ की उसमें क्या होता है जियांट साइज़ की होती हैं इनके फीचर्स जी साइज़ की हों क्योंकि एक से ज़्यादा देश में हैं तो बहुत ही बड़ी होंगी ठीक है और इसका लेवल भी बहुत ही अलग ख़तरनाक लेवल का होगा कि एक देश में तो है ही है साथ ही साथ और भी देशों में है ठीक है भारत में तो है ही सही और भी अलग देशों में है ये ठीक है फिर इंटरनेशनल ऑपरेशन वही चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप काम कर रहे हो तो आपका लेवल कैसा होगा गाइज ठीक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब ये तो है नहीं कि दसवीं पास को बैठा देंगे उसमें मैनेजमेंट करने के लिए अब इतनी बड़ी कंपनी है जिसको मैनेज करना इंटरनेशनल लेवल पे और जो एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ऑपरेशन दे रही है है. तो वहां पर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा ही होगा ठीक है अपॉइंट किए जाते हैं प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है और उन्हीं के हाथ में पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस को सौंपा जाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब यह है कि इसकी जहां मेन ब्रांच होगी ना वहाँ से यह कंट्रोल की जाएगी जैसे कि अगर इंडिया में किसी मल्टीनेशनल कंपनी की मेन ब्रांच है तो वो पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिया से देखा जाएगा फिर उसकी जितनी भी फॉलोइंग ब्रांच है वो उसी चीज को फॉलो करेंगी ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट का सॉरी ओलीगोपोलिस्टिक पावर का मतलब, मतलब यह है कि मोनोपोली होना ठीक है पावर इन फ्यू हैंड्स अब क्योंकि ये इतनी बड़ी वो होती है फर्म हो फर्म इतनी बड़ी एंटरप्राइज होती है इतना बड़ा होता है ये सारा कुछ तो वहाँ पर जो भी पावर है वो कुछ ही हाथों में रह जाती है ठीक है वो अपनी पावर मतलब अपने काम को इम्प्रूव करने में कि ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा सिर्फ हम कुछ ही लोगों के हाथ में मेन चीज़ों को देंगे कुछ ही हाथ कुछ ही लोगों के हाथ में कंट्रोल रखेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि हर कोई सारी चीज़ें कर सकता है तो पावर इन फ्यू हैंड्स ऑलिगो का मतलब होता है पावर ओनली इन फ्यू हैंड्स ठीक है फिर है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अब ऐसा तो है नहीं कि थर्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी या टू ले आएगी ये तो जितनी ज़्यादा अपडेट करे उतना कम है इसके लिए ठीक है क्योंकि इसको हर चीज़ को मैनेज करना है इंडिया तो ठीक ही ठीक है आउट ऑफ नेशन अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ की चीज़ों को डेवलप देखना पड़ता है वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है तो वही चीज़ की आपको अपनी टेक्नोलॉजी को व्यवस्थित सोफिस्टिकेटेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं मतलब 5G, 6G के ऊपर अगर भी होता होगा कुछ तो वो इस्तेमाल करते हैं ये लोग यहाँ पे ठीक है इंटरनेशनल मार्केट इसका अपना इन, अपना जो मार्केट uh, है अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इसका इंटरनेशनल मार्केट भी होता है ड्यू टू इज इट्स वास्ट रेंज ठीक है और इसके प्रोडक्ट भी बहुत सुंदर होते हैं ठीक है एक कंपनी थी मतलब मैं सिंगापुर गई थी जब मेरा टूर्नामेंट था तब मैंने देखा था कि वाओ फेंटा तो यहाँ भी मिलता है और इतने खूबसूरत कलर में मिलता है फैंटा ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज हमने तो सिर्फ ऑरेंज फेंटा देखा है तो वहाँ जाके देखा कि वाह ग्रीन पैंटा भी होता है ब्लू फैंटा भी होता है इतना मज़ा आता था तो गाइज़ वही है कि इंटरनेशनल मार्केट है इसके पास में कि अपना डोमेस्टिक मार्केट तो है ही सही जहाँ की इसकी मेन ब्रांच है साथ ही साथ इसका इंटरनेशनल मार्केट भी है ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और इसका गुडविल होने की वजह से ठीक है तो ये होती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेशन फॉलो करती हैं ठीक है थीके? अब इसके कुछ जॉइंट वेंचर अब जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जब दो कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं पार्टनरशिप कौन जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं लेकिन जॉइंट वेंचर कब जब दो कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे हाथ मिलाएंगे फ्रेंडशिप करेंगे तो वो कहलाता है हमारे लिए जॉइंट वेंचर ठीक है अब इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं कि रिड्यूस कंपटीशन अब क्या होता है कि दो कंपनी ने हाथ मिलाए हैं तो हो सकता है कि कंपनी कॉम्पिटिटर्स हो एक दूसरे की और उन्होंने ही हाथ मिला लिए हैं तो डबल काम हो जाएगा ये वाली कंपनी कुछ अच्छा बताएगी तो ये वाली कंपनी और कुछ अच्छा बताएगी तो इन दोनों के अच्छे अच्छे बताने से आपके कंपटीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है रिड्यूस रिस्क क्योंकि दोनों कंपनियां रिस्क को मेंटेन करके चलती कि आप इतना देख लो आप इतना देख लो ठीक है प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनी आप जो छोटी कंपनियाँ होती हैं ना उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं कि हो सकता है पार्टनरशिप में ज़्यादातर दा वो दिया जाता है इंसेंटिव दिया जाता है कि हम स्मॉल कंपनीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है कि जो दो कंपनियां साथ में हाथ मिला के आई हैं उसमें एक कंपनी के पास में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन दूसरी के पास में है तो वो क्या बोलेगी कि आज से आप भी हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है बेटर कॉम्पिटेंस वही कि जब दो लोग मिल रहे हैं तो कितने दिमाग चलेंगे हो सकता है ये वाला कुछ अच्छे ये वाली जो कंपनी वो कुछ अच्छी बातों में अच्छी हो और ये वाली कंपनी कुछ अलग बातों में अच्छी हो तो उससे क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिशन में आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है ठीक है इफ़ेक्टिव होती है आपकी परफॉर्मेंस एफिशियेंट हो जाते हो आप लोग रिडक्शन इन कॉस्ट क्योंकि अब दो लोग अब वही है कि दो लोग लो मिल गए हैं तो पैसा भी बढ़ जाएगा तो कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल दो बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ मिला रही हैं तो सोचो कितना पैसा आएगा ठीक है इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाती है ये बहुत ही छोटा सा है इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है बस इतना सही लिखना था कि जब दो कंपनियां हाथ मिलाती हैं किसी चीज़ को करने के लिए अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तो वो कहलाता है हमारे लिए जॉइंट वेंचर रिड्यूस इसके जो फीचर्स हैं वो रिड्यूस कंपटीशन क्योंकि मार्केट में जब कंपनी ने हाथ मिला लिया है, तो कंपटीशन कम हो जाएगा ठीक है एक कंप्यूटर फर्म ने ही अगर हाथ मिला लिया हो तो कंपटीशन तो कम हो ही गया रिस्क कम हो जाएगी क्योंकि अब दो लोग हैं जो ज़्यादा दिमाग काम करेंगे ज़्यादा अच्छे से हम लोग काम कर सकेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर स्मॉल कंपनी ठीक है जो छोटी जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हो तो वो यहाँ पर अपना खेल दिखाती है ठीक है बेटर कॉम्पिटेंस क्योंकि दो लोग मिल गए हैं दो कंपनीज़ आ गई हैं साथ में तो वो मिलकर काम करेंगी और एक दूसरे का भला सोचेंगी इसलिए आपकी कॉम्पिटिशन में इम्प्रूव दिखा दिखेगा ठीक है रिडक्शन इन कॉस्ट का मतलब ये है कि अब जब दो लोग मिल गए हैं तो जो भी आपकी कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई कोई भी कॉस्ट हो गई वो सारी की सारी डिवाइड कर दी जाएगी ठीक है तो वो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही लार्ज कैपिटल इसलिए कि अब कंपनी मिली तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही छोटा अमाउंट देगी कैपिटल भी आपकी बहुत सुंदर हो सकती है ठीक है अब हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तो ये आप लोगों के लिए था कि जॉइंट वेंचर के आप लोगों ने फीचर्स देख लिए इसके डी मेरिट्स मैरिट्स इतने नहीं थे कुछ खास तो मैंने बताए नहीं है तो कोई बात नहीं अब जो है आप लोगों के लिए वीडियो जो हो गई वो हो गई एंड खत्म हो गई है हमने सब पढ़ लिया है और हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया मतलब जो आपका चैप्टर नंबर थ्री है वो वन शॉट में ख़त्म हो गया है बुक्स अगर खरीद ली हो तो बुक से पढ़ना शुरू कर दो और पहले सबसे पहली चीज़ रीडिंग खत्म करो ठीक है मैंने वीडियो में बोला जरूर है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा देखना है लेकिन पहले एक रीडिंग करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई लोगों ठीक है तो वो रीडिंग करना शुरू कर दो और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पलक दीदी को बताओ कमेंट सेक्शन में कि दीदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आप मुझे यहाँ बताओ आई विल हेल्प यू इन दैट ठीक है अब हम मिलेंगे नए वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखो घर पर रहो सुरक्षित रहो और आज के सुविचार के लिए तैयार हो जाओ अ गुड बुक कैन हेल्प यू टू चेंज योअर लाइफ ठीक है तो ये इसलिए लिखा गया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स को भी पढ़ें जो आप लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करें ठीक है ऐसी बहुत सी बुक्स होती हैं और लिटररी वाइज ये बहुत ही ऐसा बोला जा सकता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस कर सक करके कर कर ही बोल रही हूँ मैं कि बुक्स बहुत अच्छा होता है ठीक है रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट अगर आप लोगों की रीडिंग हैबिट है तो प्लीज़ मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना शुरू करो जो कि आप लोगों के लिए आ, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट जो बुक्स होती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं ठीक है थीके? उनको पढ़ना शुरू करो उससे बहुत हेल्प मिलती है ठीक है अभी तो ठीक ही ठीक है आगे की लाइफ भी बहुत बेटर हो जाती है ठीक है तो इसलिए लिखा है कि अ गुड बुक कैन हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ एक अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो इसलिए किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी ठीक है तो मिलेंगे नए वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखो घर पर रहो सुरक्षित रहो जय हिंद वंदे मातरम बाय